सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। ईद के त्योहार को शांति और सौहार्द पूर्वक मनाए जाने के उद्देश्य से बुलंदशहर में डीआईजी और जिलाधिकारी ने क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का दौरा कर वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से लोगों से जनसंपर्क किया और उन्हें ईद की बधाई दी और लोगों से ये भी कहा कि ये मेल मिलाप और सौहार्द का त्योहार है, आप सभी लोग निसंकोच होकर सौहार्द पूर्वक आपसी सौहार्द बनाते हुए ईद के पर्व को शांति पूर्वक संपन्न कराएं, जिसके लिए शासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों को मुहैया कराई गई है। मार्च किया जा रहा है, क्या इसके पीछे उद्देश्य? जैसा कि आप जानते हैं कल नहीं तो परसों हमारी ईद होगी, परसों ही अक्षय तृतीया का भी त्यौहार है और परसों ही परशुराम जी की जयंती है। साफ सफाई कैसी है, लोगों की सुविधा कैसी मिल रही है? बीच में पिछले दो तीन दिनों से थोड़ी बिजली ट्रिप कर रही थी, आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से फिर से बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, तो वास्तव में लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। वही हम लोग जानने के लिए मैं और डीआईजी साहब पूरी टीम के साथ आए हुए थे। इसके अलावा शाम के टाइम लोगों में विश्वास कायम रहे और कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट उसका फ़ायदा ना उठावे, ये भी लोगों में विश्वास कायम करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है किस उद्देश्य से, क्या क्या उसके पीछे? कोई फ्लैग मार्च नहीं है, रूटीन का सांधकालीन भ्रमण है जिसमें जिलाधिकारी साहब हैं, मैं हूँ, सारा पुलिस बल है और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि लोगों के साथ तालमेल करके समाज की जो सामाजिक सद्भाव है, त्योहारों का सद्भाव है वो कायम रहे। 3 तारीख को मुख्य पर्व है, अक्षय तृतीया है और महर्षि परशुराम की जयंती है। 3 पर्वों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उसी क्रम में हिराप कमर है और इसका एक लक्ष्य और भी है कि जो अपराधी हैं उनके दिमाग में भय पैदा होता है जब भारी संख्या में पुलिस को पैदल भ्रमण करते हुए देखते हैं। साथ ही आम आदमी के मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, शासन के प्रति उसके मन में सम्मान करते हैं।